हेलो गुड इवनिंग नमस्कार मैं बबीता त्यागी आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और जैसा कि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने थंबनेल में देख भी लिया होगा आज 14 अप्रैल है और भारत में इस आज़ाद भारत में जो आज देश में शासन प्रशासन जितना चल रहा है और अगर मैं बात करूँ कि संविधान के कारण जिस इतनी बड़ी व्यवस्था जो ये चल रही है ठीक ठाक सिस्टम पूरा चल रहा है आज इसके जनक और अगर के वी राव जी की बात माने तो इसकी जननी का भी आज के दिन जन्म हुआ था और हम पूरे भारत के लोगों के लिए चाहे महिलाएं हों दलित हों या फिर पूरे भारत की बात करें इंडिया के निर्माता के रूप में जिस आदमी ने काम किया इस समाज के उत्थान के लिए दलितों के उत्थान के लिए सिर्फ दलित इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि भारत पूरा भारत आज उनके सामने नतमस्तक है क्योंकि उन्होंने चाहे अपनी कम्युनिटी के लिए पहले काम किया लेकिन फाइनली जाके उन्होंने जो काम किया वो इंडिया के लिए किया और नमन है ऐसे लोगों को जिन्होंने इतने ज्यादा उस टाइम में खराब माहौल में आ, रहते हुए इस देश की तस्वीर को बदलने का बीड़ा उठाया और फिर हमारे सामने एक आ, जिसके नाम के आगे भी आज भारत रत्न लिखा जाता है ऐसी हस्ती ने जन्म लिया जन्म तो नॉर्मल से एक परिवार में हुआ था आ, लेकिन ठीक ठाक कामकाज था, काम का था क्योंकि पिताजी का काम और उनके पूर्वजों का काम कभी पुराने टाइम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए थे सभी लोग समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर भीमराव रामजी जी अम्बेडकर की लंबा चौड़ा नाम है नाम में पिताजी का भी नाम जुड़ा हुआ है और गुरु का भी नाम कहते हैं किसी भी इंसान के जीवन को जो शेप देते हैं वो दो लोग हैं सबसे ज़्यादा जो उसके जीवन को एक तरह से एक दिशा देते हैं और इनमें सबसे बड़ा योगदान होता है माँ बाप का और दूसरा बड़ा योगदान होता है टीचर्स का भीमराव भीमा इनकी मदर का नाम था भीमा तो वहाँ से नाम पड़ा भीमराव और राम जी इनके पिताजी का नाम था और अंबेडकर इनके एक ब्राह्मण टीचर थे जिन्होंने ये देखा कि ये बच्चा सूरज की तरह कभी प्रकाशमान होगा और इसके जीवन में कभी अस्पृश्यता की वो बेड़ियाँ इसको जकड़ ना लें तो उन्होंने एक तरह से इसके लाइफ को आगे प्रॉब्लम्स से बच सके उस सरनेम को बदल दिया जिनसे कि इनकी पहचान उस टाइम में बड़े नेगेटिव तरीके से की जाती थी और अपना खुद का सरनेम दिया अंबेडकर जी तो ऐसे शिक्षकों को ऐसे पेरेंट्स को भी नमन है जिन लोगों ने ऐसे बच्चे के उज्जवल भविष्य को देखते हुए स्टार्टिंग से कैसे परिवेश का निर्माण किया जहां जाके ये जाग पाए और अपने और अपने जैसे हजारों लाखों करोड़ों और आज के भारत के लोगों के हितों के लिए काम करने में ये सक्षम बन पाए तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे और आज ये पढ़ाई कोई ऐसी नहीं है कि सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये ऐसी क्लासेस लेने का मेरा मकसद होता है कि कम से कम पढ़े लिखे लोगों में एक जागृति आए कि अंबेडकर जी ने क्या किया था या भगत सिंह ने क्या किया या चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया या फिर सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान था Uh, काम तो सभी लोगों ने बहुत सारे किए चाहे गांधी थे नेहरू थे या कितने ही बड़े लीडर्स की हम बात कर लें लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो दबी और छिपी रह जाती हैं जिनको उतना उभारा नहीं जाता जितनी कि उनको मिलनी चाहिए एक एक्सपोजर मिलना चाहिए अम्बेडकर जी के बारे में भी दो चार बातें तो हर आम आदमी जानता है लेकिन कैसे वो उस कठिन परिस्थितियों से निकल भारत के राष्ट्र के निर्माता बन गए कैसे उनका नाम उस उस दर्जे में लिया जाने लगा जिनमें सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले लोगों को खड़े होने का या उनका नाम लिखने का प्रचलन था वहां कैसे एक ऐसी और उसमें भी सबसे नीची जातियों में अनटचेबल्स जिनको कहा जाता था छुआछूत की इतनी गंदी बीमारी से जो ग्रसित था वो समाज वहां से उठ के कैसे एक कमजोर वर्ग का एक छोटा सा बच्चा और मन में इतने बड़े सपने संजो पाया कि आज उसको पढ़ा और पढ़ाया जा रहा है चलिए इनके बारे में फैक्ट्स के दौरान मैं बहुत सारी कहानी किससे बताऊंगी और जो इंटरेस्टिंग भी हैं और हर इंडियन को पता भी होने चाहिए क्योंकि जिस भारत में आज मैं और तुम रह रहे हैं उसके संविधान के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान देने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया वो हैं सम्मान के योग्य बहुत ज़्यादा इज्जत जिनकी मन से इसलिए होती है क्योंकि कंडीशंस बहुत, बहुत ज्यादा खराब थी उनमें आगे आना यह दिखाता है कि उनका मनोबल कितना ज्यादा था अच्छे कुल में पैदा होकर अच्छे काम करना भी अच्छी बात है लेकिन एक बिल्कुल नीची श्रेणी एक बिल्कुल नीचे तबके से निकल के और इस लायक बन जाना ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी बात है इसको कंपेयर अगर करते हैं तो देखते हैं कि वो जो लोग कहते हैं ना आजकल जो लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे लोग मिलते हैं कि जी हम गरीब हैं हम ये नहीं कर सकते कभी पढ़ोगे जानोगे ऐसे महानुभावों के बारे में तो देखोगे उतना कोई भी नीचे नहीं हो सकता आज के दौर में जितने नीचे के एरिया से ये निकल के और देखो कहां तक पहुंचे आज इनके नाम पे शहर बसाए जा रहे हैं आज इनके नाम पे कितनी मूर्तियां हैं संविधान की किताब इनके स्टैचू के हाथ में होती है गांधी नेहरू अंबेडकर अगर बात करते हैं तो ये तीन बड़े लीडर्स में अंबेडकर जी का भी नाम लिया जाता है चलिए इनके बारे में जानते हैं देखो मैंने हेडिंग भी क्या दी है भारत निर्माता भारत का निर्माण करने में बहुत लोगों ने संघर्ष किया जिनमें से एक थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान निर्माता हैं क्योंकि संविधान के लिए भी इनका काम बहुत ज्यादा था भारत रत्न से विभूषित हैं लेकिन ये दुख की बात है कि ये

भीमराव रामजी अंबेडकर ये नाम देखो इसी में इनकी मां का नाम है इनका खुद का नाम जो भीमा जो भीमा जो नाम था ना वो इनकी मदर का था तो माँ के प्यारे थे चौदह भाई बहन थे सबसे छोटे थे तो माँ बाप को बहुत प्यारे लगते थे तो नाम रख दिया भीमराव राव रामजी पिताजी का नाम है और अंबेडकर इनके टीचर की देन है जिन जिन दो लोगों ने इनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो इनके पिताजी और इनके टीचर हैं तो भीमराव राव राम जी अंबेडकर चौदह अप्रैल 1891 को जन्मे हैं तो आप इसको ऐसे याद करना 1891 बहुत लोग भूल जाएंगे ये नेहरू के समकालीन हैं नेहरू जो कि सब लोग जानते हैं 1889 का जिनका बर्थ है उन्हीं के साथ के लगभग हैं दो साल का फर्क है वो चौदह नवंबर 1889 के हैं ये चौदह अप्रैल uh, 1891 के सिर्फ दो साल का अंतर है ऐसे चीजों को रिलेट करके याद करना आसान होता है तो गांधी जी से काफी छोटे हैं ये भी छह दिसंबर उन्नीस को डेली में इनकी डेथ हो जाती है और सोए हुए ही इनकी डेथ हो गई थी अपने

उन लोगों का जीवन बहुत लंबा नहीं चला इसका कारण ये रहा होगा शायद क्योंकि ये कभी ना कभी बहुत ज़्यादा टेंशन के दौर से स्ट्रेस के दौर से गुजरते थे और वो टेंशन और स्ट्रेस कहीं ना कहीं इनके दिमाग का असर इनके शरीर पर भी पड़ता था और इसीलिए देखो जितने बड़े बड़े लोग हुए जिनका योगदान सच में है वो लोग हार्डली चालीस पैंतालीस पचास छप्पन साठ पैंसठ पकड़ते पकड़ते अदरवाइज़ बहुत सारे लीडर हैं जो सौ सौ के आसपास भी पहुँचे हैं तो इनका भी एज बहुत ज़्यादा नहीं है एटीन में जन्मे हैं और उन्नीस छप्पन तो में एक्सपायर भी हो गए तो अगर देखें तो उस टाइम में लोग जो थे ना वो 80-90 साल नॉर्मल था लेकिन इनके टाइम पीरियड को देखें तो काफी कम था एमपी में इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश तब मध्य प्रदेश का नाम था सेंट्रल प्रोविंस मध्य भारत का हिस्सा था सेंट्रल प्रोविंस अंग्रेजों के टाइम में तो एमपी महू में महू में कैसे जन्म बता दू इनके जो पूर्वज थे ना इनके दादा परदादा उनके पुराने टाइम में तो देखो ये अमीर नहीं थे ये इस बातों को ध्यान से समझना इन चीजों को ये अमीर नहीं थे इनके पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी तो पेट भरने के लिए कभी पुरानी इनकी पुश्तों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना में Uh, जो है ज्वाइन कर लिया कुछ छोटे मोटे पद पर फिर उनकी अगली पीढ़ी भी सेना में फिर पीढ़ी सेना में तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सत्तावन तक रही थी उसके बाद ब्रिटिशर्स का राज आया था महारानी ब्रिटेन का तो जो इनके पिताजी हैं ना जिनका नाम है रामजी अंबेडकर अंबेडकर तो खैर इनके टीचर के देन हैं जो राम हैं ये ब्रिटिश आर्मी के अंडर एक अच्छी पोस्ट पर थे ये सूबेदार थे सूबेदार कोई छोटी चीज़ नहीं है अफसर का रैंक था उस टाइम पर भी तो इनके जो पिताजी थे वो सेंट्रल प्रोविंस एम पी महू में जो कैं का एरिया था ना अभी भी कैंटोनमेंट एरिया आप जानते होंगे हर तरफ दिख जाते हैं तो उस केंट के एरिया में ये जन्मे थे तब इनके पिताजी कहाँ थे महू महू कहां पड़ेगा एम में पत्नी थी इनकी रामाबाई इनकी दो शादियां हुई हैं एक रामाबाई से जो कि बहुत अर्ली स्टेज में इनके पिताजी ने ही करवाई थी उन्नीस में रामाबाई भी बहुत यंग एज में एक्सपायर हो गई जब शादी हुई तो महज नौ साल की थी और 1935 में वो एक्सपायर भी हो गई तो इनकी पहली पत्नी है रामाबाई और जब बाद में ये थोड़ा फेमस हो गए और ये अपना जो इन्होंने अचीवमेंट हासिल की उसके बाद लाइफ के लेटर स्टेज में 1948 में इन्होंने शादी की थी एक ब्राह्मण महिला से जो डॉक्टर थी जिनका नाम था शारदा इनसे शादी करने के बाद उनका नाम पड़ गया सविता अम्बेडकर तो नाइनटीन वाली जो शादी है ना ये ब्राह्मण महिला

और डीएससी डीएससी क्या होती है डॉक्टर ऑफ साइंस दिमाग ये देखो इसे बोलते हैं जीनियस माइंड एम आई कोई भी उठ के अपना कह देता है कि हम जीनियस हैं हर कोई जीनियस नहीं होता ये होते हैं जीनियस उस टाइम पे इन्होंने एमएससी और डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस उस टाइम पर इन्होंने आ, डिग्री ली बैरिस्टर की उस टाइम लंडन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए ये तो ये होती हैं पढ़ाई इसे बोलते हैं जीनियस ब्रिलियंट कितने तेज दिमाग थे तो देखो इनकी डिग्रीज मैंने लिखी है यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे तो यहां पर ही है यहीं पर थी वहां से बी ए किया और बता दू ये पहले दलित थे पहले महार जाति के लड़के थे जिनका एडमिशन यहां हुआ था इतनी डिग्री लेने के लिए भी क्योंकि तब मैट्रिक तक पहुंचना नामुमकिन था एक आम आदमी के लिए भी और उस टाइम ये बिल्कुल लोअर ग्रेड से उठ के मैट्रिक की परीक्षा और सिर्फ बैठे नहीं पास की थी अच्छे मार्क्स के साथ नेक्स्ट है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में पढ़ती थी न्यूयॉर्क अमेरिका की बात हो रही है सोचो एक दलित वर्ग को बिलोंग करने वाला लड़का अमेरिका जाएगा पढ़ने के लिए पैसा नहीं है कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी जुगाड़ वो बहुत इंपॉर्टेंट अपनी एक जगह हासिल करेंगे अब मैं आगे कहानी बताऊंगी तब पहुंचेंगे वो अमेरिका न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एम और पी करेंगे बहुत बेहतरीन दिमाग रहा होगा क्योंकि एक तरफ साइंस पढ़ी है एक तरफ आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़े हैं इकोनॉमिक्स पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है सोशियोलॉजी पढ़ा है फिलोसफी पढ़ा है मतलब ये क्रिएटिव दिमाग होता है ना वो इतनी जगह पे हाथ पैर मार सकते हैं तो ये बहुत क्रिएटिव दिमाग के रहे होंगे ऐसा मेरा अंदाज़ा है क्योंकि इतनी सारी फील्ड्स में काम करना एक आम आदमी के बस की बात नहीं होती लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने एम प्लस डी एस सी तो आज भी भाई पढ़ने लिखने वाले लोग ही एम तक पहुँचते हैं वरना तो लोग बारहवीं के बाद अपना छोटा मोटा कोई काम काज कर लें वही बहुत होता है एम भी मेहनत मांगता है उस टाइम पर एम ये कितनी पुरानी बातें हैं डॉक्टर ऑफ साइंस और ग्रेज इन ये कॉलेज का नाम था बैरिस्टर की पढ़ाई की लॉ पढ़ा तो एक तरफ लॉ पढ़ रहे हैं एक तरफ साइंस पढ़ रहे हैं एक तरफ आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो कितना तेज़ दिमाग रहा होगा कि हर फील्ड में कहते हैं बत्तीस डिग्री थी इनके पास टोटल अब ये लिखित में कहीं नहीं है कि वो कौन सी डिग्री थी लेकिन हाईली क्वालिफाइड थे इसमें कोई दो राय नहीं है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे इनके पिताजी का नाम था रामजी सखपाल सखपाल इनका सरनेम था लेकिन बाद में जो एक गांव को बिलोंग करते थे ना उस गांव को इनके पिताजी ने भीमराव रामजी राम जी उनके गांव का नाम लिखा फिर उस टीचर ने जो ब्राह्मण था उन्होंने गांव का नाम कहा ये बड़ा मुश्किल है बोलना तो गांव का नाम हटा के मैं अपना नाम दे देता हूँ प्रिंसिपल को कहा कि मेरा नाम इस बच्चे के नाम के साथ लिख दीजिए ये बहुत बड़ी बात थी कि, कि कोई ब्राह्मण किसी उस टाइम पे जो बहुत लोअर ग्रेड में गिनी जाती हो जाति पाती उसके लड़के को अपना नाम दे रहा है यह उस टीचर का भी बड़प्पन था तो देखिए इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल माँ का नाम भीमा बाई यहीं से हैं ये भीम राव रामजी अंबेडकर उन टीचर के कारण तो रत्नागिरी महाराष्ट्र महार जाति के हैं ये इनका गाँव था लेकिन जन्म कहाँ हुआ है एम के महू में सेंट्रल प्रोविंस में क्योंकि पिताजी कैंट में उस टाइम पे सूबेदार थे आर्मी में चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनके पूर्वज जो इनके दादा परदादा थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कभी छोटे मोटे से मुलाजिम हुआ करते थे क्योंकि खाने कमाने का जरिया नहीं तो नौकरी छोटी मोटी करनी पड़ती थी पिताजी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और मैंने बताया महू कैंट में तो महू कैंट देखो लिखा है इसके बाद रिटायर हो गए पिताजी एटीन अब देखो इसको रिलेट करो इनका जन्म हुआ एटीन में और पिताजी रिटायर हो गए एटीन में कारण ये अपने चौदह भाई बहनों में सबसे छोटे थे और पिताजी की रिटायरमेंट प्रेसिडेंट महज तीन साल के थे तब रिटायर हो गए तो जो अच्छी लाइफ थी ना क्योंकि सूबेदार का रैंक तो ठीक ठाक था जो अच्छा जीवन जी सकते थे वो तीन ही साल जी पाए उसके बाद तो पिताजी रिटायर हो गए तो सिर्फ पेंशन पे घर चला और पेंशन इतनी बड़ी नहीं होती होगी कि उसमें अच्छा जीवन जी सकें फिर भी इनके पिताजी देखो कितने कितना समझदार कितना तेज दिमाग इनके पिताजी भी रहे थे और रिटायरमेंट के, के, के बाद जब चले गए थे अपने गांव में वो देखो मैंने लिखा भी है परिवार सतारा में चला गया था तो वहां पर जो लोग पिछड़े जाति के थे तो उनको बैठा के बहुत अच्छी अच्छी बातें बहुत अच्छी कहानियां सुनाया करते थे और अपनी जाति पाती के भी ऊंचे दर्जे पर जिन लोगों ने कभी ने टाइम में काम किया उन सब के बारे में बातें बताते थे तो क्योंकि वैदिक काल में भी तो ये जाति पाती थी ना उस टाइम की बात और बहुत ऊंचे दर्जे की सोच थी उनकी तो उस पेंशन के पैसे से जिससे घर चलाना भी मुश्किल था अंबेडकर जी के पिताजी उनके लिए टैगोर की किताबें लाए थे उस टाइम पर और उस टाइम पर उन्होंने शेक्सपियर का के जो लेख ये थे ना ड्रामा वगैरह ये पढ़ने के लिए दिए थे तो आप ये देखो उतने खराब माहौल में जब पेट भरने के भी लाले पड़े हुए हों और पिताजी बच्चे के लिए गिफ्ट में क्या ला रहे हैं किताबें ये होता है दिशा देना कि उस बच्चे का दिमाग इतना अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ रहे थे पिताजी और एक अच्छा टीचर कि वो बच्चा आज यहां पढ़ाया जा रहा है आज वो इतना बड़ा आदमी बन चुके थे वो कि उनको हम पढ़ और पढ़ा रहे हैं चलिए आगे देखते हैं तो महेश तीन साल बाद पिताजी रिटायर हो जाते हैं और फिर ये आके कहाँ बरस जाते हैं सतारा बहुत छोटे थे तभी माँ का साया सिर से उठ गया और जब माँ का साया सिर से उठ गया ना तो परेशान भाई बच्चा पांच छः साल के थे ज्यादा बड़े तो थे नहीं तो उस टाइम पे फिर पिताजी ने दूसरी शादी की इनका मन घर परिवार से एकदम से उठ गया तो इनको लगा कि भाई पिताजी ने जैसे माँ के कपड़े वो नई माँ जो पहनती है तो इनको चुभता था और खुद इनकी उसमें ऑटोबायोग्राफी में है ये बात कि इन्होंने एक बार प्लान किया कि मैं जो घर में एक कोई ताई जी या इस तरह के कोई बड़ी लेडी थी उनके पास कुछ पैसे थे तो रात में कहते हैं पोटली उनकी उठा के और ये चले गए घर छोड़ के बच्चा छोटा सा बच्चा लेकिन रास्ते में जाके जब इन्होंने वो पोटली तो उसमें सिर्फ आधा आना मिला उस टाइम जो हमारी मनी थी ना वो आने और इनमें हुआ करती थी आधा आना तो वो छोटा सा बच्चा उस आधे आने को देख के सोचता है कि मैं तो सोचता था कि मेरा घर बहुत अमीर है क्योंकि पिताजी शुरू में तो सूबेदार थे ना लेकिन ये आधा आना देख के उसको लगता है कि मैं कितने गलत रास्ते पे था और मुझे तो इस घर में सहारा बनना चाहिए और मैं कहाँ गलत रास्ता पकड़ गया कि मैं घर छोड़ के भाग रहा था पैसे चुरा के वापस आ गए बोले मैं नहीं जाऊँगा मुंबई जाने का प्लान था फिर वापस आए और कहा पढ़ाई में मन लगाऊंगा और वो एक छोटी सी घटना ने इनका जीवन की दिशा पूरी बदल दी और फिर ये जम के पढ़ने लग गए जब स्कूल में गए तो इल ट्रीटमेंट मिला जो ये महार जाति के तो स्टूडेंट्स को पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता था इनको सिर्फ इसलिए मिल पाया क्योंकि इनके पिताजी जो थे ना वो सेना में थे तो उनको थोड़ा सा एक उस चीज़ का फ़ायदा मिला स्कूल में नाम लिखवा दिया गया दो भाइयों का इनका और इनके बड़े भाई का चौदह में से कहते हैं तीन भाई बचे थे और दो बहनें बाकी सब एक्सपायर हो गए थे बचपन में ही तो इनका और इनके बड़े भाई का नाम लिखवाया गया जब ये क्लास में पहले दिन गए तो क्लास में जाके जैसे ही घुस के बैठ गए अब इनको क्या पता सात आठ साल के रहे होंगे पाँच सात साल के तो वहाँ सारे बच्चे जो बैठे हुए थे ना हंसी मजाक कर रहे थे तुरंत से जैसे ही जाके बैठे सारे उठ के भाग गए और पीछे खड़े हो गए और फिर बैठे नहीं वो टीचर आया पीछे बैठ के खड़े रहे टीचर ने कहा मैं खड़े क्यों हो तो सबने इशारा किया कि ये तो टीचर का भी व्यवहार इतना गंदा था इतना ख़राब था कि उन्होंने इनको खड़ा किया और कहा क्लास से बाहर बैठोगे क्योंकि तुम महार जाती क्यों इनको क्लास में बैठ के पढ़ने नहीं दिया जाता था क्लास के बाहर की तरफ बैठाते थे और इनके बैठने के लिए स्कूल की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी टाटपट्टी भी नहीं थी अपने घर से एक खराब सी बोरी टाइप का कुछ लाते थे उस पर बैठते और लपेट के फिर ले जाना पड़ता और इतना भर नहीं इससे भी घटिया जो टीचर ने भी कहीं कोई कमी नहीं वो की टीचर ने क्वेश्चन पूछा

पूछा अब ये खड़े हुए और इन्होंने कहा गुरुजी जब मुझे आंसर आता है तो आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं? तो गुरु ने कहा तो चुपचाप बैठ जा जैसे बाहर बैठा होता कि बैठ जा चुपचाप बैठने को सुनने को मिल रहा है ये गनीमत समझ क्योंकि तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुम क्लास की बातें सुन भी सको तो वहां मन में लगा कि यार गलत है घर गए पिताजी को कहा कि मैं नहीं जाऊंगा स्कूल तो पिताजी ने कहा यही तो बदलना है जिस चीज से तू परेशान है बेटा उसी को व्यवस्था को बदलना है और मुझे विश्वास है कि तू बदल सकता है क्योंकि तेरे अंदर वो क्षमता है तू पढ़ लिख के आगे बढ़ सकता है इतनी बुरी हालत थी ये सब इनकी ऑटोबायोग्राफी में है जो मैं आपको बता रही हूं इन्होंने एक जगह इंसिडेंट में लिखा है कि जब स्कूल जाते थे ना जो थोड़ी सी भी नीची जात के बच्चे थे उन सबको पानी पीने का अधिकार नहीं था उनको पानी पीने वाली जगह जाना है तो पियन चपड़ासी जो था ना स्कूल का वो ऊपर से पानी को गिराएगा और ये नीचे उसको हाथ में भर भर के पीते रहेंगे किसी दिन अगर चपड़ासी छुट्टी पर है तो पूरा दिन बिना पानी के काट देगा बच्चा छह सात आठ साल के बच्चे पूरा दिन भूख मतलब प्यासे बैठे रहेंगे स्कूल में क्यों क्योंकि आज स्कूल का चपड़ासी नहीं आया इतना ज्यादा भेदभाव मतलब इनका ट्रीटमेंट जो था इल ट्रीटमेंट था इनको साथ खिलाते नहीं थे बच्चे जो आपस में खेल रहे ना उस टाइम पे तो इनको कोई नहीं पूछता था बहुत ज्यादा इल ट्रीटमेंट लेकिन मन में यह था कि मैं इस चीज को बदलूंगा जिस चीज को फील किया ना उसको बदलने का टारगेट बना लिया तो ऐसे ऐसे इनकी लाइफ देखो कैसे कैसे बदली है कोई भी इंसान जैसा भी है ना बच्चों आज भी तुम मैं हम सब जैसे हैं हम सब परिस्थितियों के कारण यहां तक पहुंचे हैं इन परिस्थितियों में पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है सब लोग मिलकर एक शेप देते हैं एक बच्चे के भविष्य को और जितना सुंदर काबिल समाज होगा उतनी सुंदर भविष्य की कल्पना की जा सकती है इसीलिए कहते हैं कि एजुकेशन समाज को बदल सकती है क्योंकि बच्चा अगर सही एक्शन पकड़ लेगा तो समाज अपने आप परिवर्तित होगा सिर्फ भाषण देने से कभी कोई नहीं बदलता ये परिस्थितियां हैं 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 जो इंसान के चरित्र का निर्माण करती चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल देखो नो पी इन, नो पीएन वाटर अगर चपड़ासी नहीं आएगा तो पानी भी पीने को नहीं मिलेगा हालत देखो जरा गर्मी के मौसम में चपड़ासी छुट्टी तो कभी भी मार सकता है और पूरा दिन प्यासे बैठे रहेंगे बच्चे या तो पढ़ना है तो ऐसे बढ़ लो वरना भाग जाओ उन कंडीशन में पढ़ने का जज्बा पैदा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है गांव था इनका अंबवादावेकर यही इनके नाम में लगता था इसी को हटा के अंबेडकर किया था गुरु देखो ये हैं वो महान टीचर इनका नाम उनके नाम के साथ जोड़ा इन्होंने अपनी मर्जी से और ये इतना प्यार करते थे अंबेडकर की प्रतिभा से इतने ज्यादा इंप्रेस थे कि अपने घर पर बुला के उसको खाना खिलाते थे प्रॉपर ब्राह्मण थे लेकिन एक अछूत उस टाइम के बच्चे को अपने घर बुला के और खाना खिलाना जबकि टीचर्स तो इनसे बिल्कुल दूर रहा करते थे इतना बुरा हाल था तब ये टीचर कितने सम्मान के थे ब्राह्मण कृष्ण केशव अंबेडकर अपना नाम लगा दिया बच्चे के नाम में कि इसको आगे दिक्कत ना हो कहीं भी नेक्स्ट देखो 1897 बंबई चले गए पढ़ने के लिए हाई स्कूल में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे मैंने बताया ना बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इन्होंने एग्जाम पास किया तो यही वो स्कूल है और ये पहला एक ऐसा स्टूडेंट था अपनी कास्ट को बिलोंग करने वाला जो यहाँ तक पहुंचा फर्स्ट है ये जिन्होंने इस हाई स्कूल में बहुत रिप्यूटेड स्कूल था जिनको यहाँ एडमिशन मिला इससे पहले इनकी जाति पाति में कोई यहाँ तक पहुंच सोच भी नहीं सकता था और ये पढ़ने का और पास होकर निकले वहाँ से दादा केलुस्कर बहुत अच्छा है ये बहुत बढ़िया कैरेक्टर थे इनके बारे में थोड़ा सा बता दूँ दादा केलुस्कर के बारे में ना अलग अलग कहानियां हैं अब ऑथेंटिक कौन सी है मुझे नहीं पता मैं तुम्हें बता देती हूँ जो मुझे सही लगी पढ़ के कहते हैं एक दिन ये बैठे हुए थे अम्बेडकर जी और ये जो कॉलेज का स्कूल का जो पार्क टाइप था ना वहाँ पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे थे किताबें तो तीन चार दिन से लगातार दादा केलुस्कर इनको नोटिस कर रहे थे कि भाई ये लड़का रोज पढ़ता हुआ मिलता है तो एक दिन इन्होंने इसको बुलाया अपने पास और कहा कि क्या नाम है तो नाम बताया वो समझ गए कि भाई ये ऐसे होंगे जैसे बातचीत से उनको लगा कि भाई ये कोई इस तरह का लड़का है जो बहुत लायक है लेकिन वो बैठ नहीं रहे थे एक्चुअली उन्होंने कहा बैठ जाओ तो उन्होंने मना किया क्योंकि दादा केलुस्कर जो हैं वो बहुत बड़े समाज समाजसेवी थे लेखक थे उनको सब जानते थे तो फिर इन्होंने कहा कि बेटा मैं सबको बराबर मानता हूँ और तुम बैठो मेरे पास बैठाया फिर कहा कि पूछा भाई कैसे कैसे तुम यहाँ पहुँचे पूरा सब कुछ जान के फिर इन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्यों पढ़ते हो यहाँ तो लोग आते हैं जाते हैं तुम डिस्टर्ब होते हो लाइब्रेरी में चले जाओ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में कॉलेज की में तो कहा कि वहाँ कोई घुसने ही नहीं देता इतने लायक लड़के को जो अपनी जाति का पहला लड़का है उसको घुसने नहीं देते और तो और हद देखो ये कहा कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहता था लेकिन एडमिशन नहीं दिया बोले संस्कृत तुम्हारे लिए नहीं है वो सिर्फ ब्राह्मण पढ़ेंगे और इसीलिए इनको पर्शियन भाषा पढ़नी पड़ी तो ना चाहते हुए कोई इंटरेस्ट नहीं था पर्शियन में लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ अच्छे के लिए होती है पर्शियन का ज्ञान भी इनके बहुत काम आया नौ भाषाएं इनकी पकड़ थी मज़बूत नौ भाषाओं पर तो संस्कृत नहीं पढ़ने दिया लाइब्रेरी में एंट्री नहीं दी ये हाल तब है जब ये लड़का ब्रिलियंट है जीनियस है तब इतनी बुरी हालत थी ये दादा केलुस्कर ही हैं जिन्होंने उस पार्क में बैठ इनको बुद्ध की जीवनी पकड़ाई कि तुम बहुत लायक हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम जीवन में कामयाब बनोगे ये किताब पढ़ना बोले ये मेरी खुद की उन्होंने खुद लिखी थी आ, महात्मा बुद्ध के ऊपर अपनी खुद की रचित किताब इनके हाथ में तो बहुत खुश हुए अम्बेडकर तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है दादा केलुस्कर का बुद्ध की जीवनी और बुद्ध से ही एक बात और रिलेट कर लो महात्मा बुद्ध को इन्होंने पढ़ा लाइफ लॉन्ग अपने कम्युनिटी विशेष के लिए काम किया फिर भारत के लिए भी काम किया अपनी लाइफ के लास्ट फेज में उन्नीस में जब ये एक्सपायर हुए हैं उसी साल में इन्होंने अपना धर्म बदल लिया हिंदू धर्म में थे ना इन्होंने बुद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और इनके साथ साथ पाँच लाख ऐसे ही दलित लोगों ने भी धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपना लिया उस के चक्कर में ये श्रीलंका भी गए थे नेपाल भी यात्राओं पर गए थे तो अगर पूछें कि उनकी जो डेथ हुई है उसमें जो क्रियाक्रम जो हिंदू धर्म में करते हैं वैसे नहीं किया गया बल्कि जैसे बौद्ध धर्म में क्रियाकर्म किया जाता है उस विधि का पालन किया गया क्योंकि लास्ट स्टेज में जाके इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था छप्पन में जब इनकी डेथ हुई है दिल्ली में ठीक है तो उन्नीस में इनकी शादी हुई थी उन्नीस में इनके पिता का देहांत हो गया ये उन्नीस वही साल है जब हमारे देश में पहली बार वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज लेकर आए थे देश में बहुत बड़ा नाम जिनका है टेगोर रविंद्रनाथ टेगोर 1913 में ही यूएस गए अच्छा जब गरीब थे तो यूएस कैसे चले गए यूएस जाने का कारण क्या था इन्होंने दादा केलुस्कर मैंने बताया ना समाज सेवी भी है

अमेरिका में भेजते थे बच्चों को और उनका खर्चा खुद उठाते थे चार साल तक खर्चा उठाते थे उसके बाद वो बच्चा जो है इनके लिए काम करता था भाई बच्चा क्या बड़ा हो जाता होगा यूनिवर्सिटी पढ़ के आया तो तो देखो 1913 में यूएस गए पैसा कहाँ से आया बड़ौदा के गायकवाड़ गायकवाड़ एक गायक खानदान था जैसे सिंधिया होलकर गायकवाड ये सब खानदान हैं तो इसमें सयाजी राव थर्ड थे जिन्होंने इनको स्कॉलरशिप दी थी और ये किसकी कारण दी थी दादा केलूस्कर ने हेल्प की थी जिन्होंने पार्क में देखा था तो ये चीज़ें होती हैं कि नोटिस में आ गया कि भाई लड़का लायक है तो देखो कहां तक पहुंचा दिया स्कॉलरशिप मिली पच्चीस रुपए एक महीने की देखो उस टाइम पच्चीस रुपए इतनी बड़ी बात थी कि इससे अमेरिका का खर्चा निकल सकता था एक महीने का तो उन्होंने कहा हम हर महीने तुम्हें पच्चीस रुपये भेजा देंगे तो पच्चीस रुपए में काम चलाना उस टाइम पे पॉसिबल था लेकिन जब ये अमेरिका गए ना ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास की घटनाएं हैं उस टाइम फिर मुद्रा का अवमूल्यन हो गया और पच्चीस रुपये में काम चलाने में इनको दिक्कत आने लग गई थी खैर चार साल जैसे तैसे करके पढ़ाई इन्होंने कर ली नवल नाम का एक पारसी था इससे मुलाकात हुई ये इनका लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहा और एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी नवल ने जो बोली थी ये भी बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी थे ये हिंदू नहीं थे पारसी थे इन्होंने कहा था हर किसी का जन्म बड़ा बनने के लिए नहीं होता ध्यान से सुनना हर किसी का जन्म बड़ा बनने के लिए नहीं होता लेकिन हर व्यक्ति बड़े बनने वाले आदमी के जीवन में या उसके भविष्य में सीढ़ी के रूप में योगदान दे सकते हैं हर कोई इंडिया में भगत सिंह नहीं बन सकता था हर आदमी नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं बन सकता था लेकिन उनके लिए उनसे जुड़कर काम करने वालों का भी योगदान कम नहीं है बोस की ताकत थी। के साठ हजार आदमी जिनके नाम भी हम लोग नहीं जानते वो ताकत थी सुभाष चंद्र बोस की भगत सिंह की जो उन्होंने पार्टी बनाई थी एच उसके जो वो लड़के थे ना कॉमरेड वो ताकत थी भगत सिंह की तो उन्होंने यही तो कहा नवल ने क्या कहा कि हर आदमी का जन्म बड़ा बनने के लिए नहीं हुआ लेकिन हर आदमी बड़े बनने वाले आदमी के जीवन में या उसके भविष्य में योगदान दे के अपना कर्म बड़ा कर सकता है तो बहुत बड़ी बात थी और नवल ने भी वही काम किया इसीलिए आज इनको भी पढ़ाया जा रहा है तो नवल नामक पारसी से मुलाकात हुई लाइफ लॉन्ग इनके फ्रेंड रहे दो बड़े नाम बताया मैंने दादा केलुस्कर और नवल नवल पारसी हैं दादा एक बहुत बड़े राइटर हैं दादा ने ही इनकी मुलाकात करवाई है स्कॉलरशिप देने वाले राजा के साथ नेक्स्ट है उन्नीस अब देखो तेरह में गए थे चार साल के पैसे मिले थे तेरह चौदह पंद्रह तेरह के बाद चौदह पंद्रह सोलह सत्रह सत्रह में वो पैसे स्कॉलरशिप खत्म होगी तो उन्नीस सौ सत्रह जून में वापस आना पड़ा क्योंकि तेरह के मिड में गए थे तो चौदह पंद्रह सोलह सत्रह मिड हो गया वापस आ गए वापस आना पड़ा आना नहीं चाह रहे थे इनकी इच्छा थी कि मैं लंदन से भी पढ़ाई करूँ अमेरिका से तो डिग्री हो गई मुझे लंदन से भी पढ़ना है तब उस टाइम पर ना लंदन का क्रेज था वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी थी तो वापस आना पड़ा स्कॉलरशिप समाप्त हो गई गायकवाड़ की स्कॉलरशिप खत्म हो गई अच्छा ये जो दौर है ना इसको ज़रा रिलेट करो दिमाग में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था पहला विश्व युद्ध चल रहा था 14 से 18 के बीच का तो उस टाइम पे ना समुद्री जहाजों में लड़ाइयां हुआ करती थी और जर्मनी की एक पंडुब्बी ने शिप डूबो दिया ये अफवाह फैली यहां कि वो शिप डूब गया जिसमें अंबेडकर वापस आ रहे थे अमेरिका से से लेकिन ऐसा नहीं हुआ अंबेडकर की बुकिंग में में उस उस शिप 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 कुछ गड़बड़ हो गई थी थी और इन्होंने अपनी किताबें पहुंचवा दी यानी जो शिप डूबा ना उसमें अंबेडकर नहीं थे उसमें उनकी किताबें थी लेकिन ये दुख की बात है कि किताबें डूब गई सारी बहुत मेहनत से इन्होंने थीसिस तैयार किए थे वो डूब गए सारे बहुत अच्छी अच्छी किताबें इनका सारा जो लिखा पढ़ा था वो खत्म हो गया फिर भी दिमाग खत्म थोड़ी होता है वो आगे जाके फिर काम आ गया तो उन्नीस के बाद ये वापस आए स्कॉलरशिप समाप्त हुई शिप डूब गई जिसमें इनकी किताबें आ रही थी ये सेफ हैंड रह गए जर्मन पनडुब्बी ने डुबो दी क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो आपस में इनकी लड़ाइयाँ थी अमेरिका की वो डुबोएंगे उनके अमेरिका।, अमेरिका 1918 प्रोफेसर बन गए वापस आ गए अच्छा जब वापस आए ना तो गायकवाड़ के पैसे पे गए थे ना तो इन्होंने गायकवाड़ को पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैं वापस आके आपके यहां काम करूंगा तो काम करने लग गए काम करने लग गए तो भाई इतना पढ़ा लिखा लड़का है बेशक किसी भी कास्ट का हो लेकिन पढ़ाई लिखाई तेज दिमाग तो अपनी जगह पा ही लेगा ना इनको वहां सेना का सचिव बना दिया सेना का सचिव समझते हो डिफेंस सेक्रेटरी आज के टाइम में डिफेंस सेक्रेटरी बनने के लिए आई का रैंक होना चाहिए और आई में जो बहुत नामी गिरामी टाइप के होते नजरों

क्या फ़ायदा इन किताबों का क्योंकि लोग तो आज भी वैसा ही मुझे मानते हैं जैसा 20 साल पहले मानते थे क्योंकि जब ये गए वहाँ पर तो लोगों ने जनता का जो रवैया था ना वो इतना ख़राब था ये और इनके बड़े भाई गए थे भाई अपनी नौकरी पकड़ने नौकरी तो थी कंफर्म की ये नौकरी है चले गए वहाँ इनको आ, कहीं पे ना रहने के लिए घर नहीं मिला किराए का घर नहीं मिला क्योंकि सब जात पात पूछते बताते भाई मैं प्रमुख हूँ पात पूछते कहते यहाँ जगह नहीं है किराए के लिए घर नहीं मिला इतनी बुरी हालत कितनी कितनी रातें इन्होंने खुलने में ऐसी कहीं कहीं लेट के गुजारी तो कैसी हालत थी सोचो जरा अच्छा उससे आगे दो कदम आगे और दफ्तर में जाते दफ्तर में गए तो सेक्रेटरी की क्या पोजिशन होनी चाहिए जो सैन्य सचिव है ये जाके बैठे फाइलों का काम तो फाइल मंगवानी थी जो पीएन था ना वो या जो इनके नीचे काम करने वाले कई बहुत सारे लोग वो सारे ऊंची जात के थे बहुत सारे लोग ब्राह्मण थे तो जो वो पी लाया तो इन्होंने कहा भाई ये वाली वाली, वाली फाइल लाओ जब वो लाया तो वो इतने गुस्से में था कि एक नीची जात का आदमी मुझे डायरेक्शन दे रहा है कि मैं फाइल ला इसको दूंगा और ये मेरा अफसर लगा हुआ है और ला फाइल का गट्ठा लगभग उनके मुँह पे फेंक के चला गया पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिलता इनका टेबल कोई साफ नहीं करता था मतलब इतनी ज़्यादा बेजत अपने आप में फ़ील हुआ कि कहने को मैं इतना हाईली एजुकेटेड हूँ मैं इतनी बड़े रैंक पर हूँ पर लोगों के नज़रिए को मैं बदल नहीं पाया और ये चीज़ें इनको दिन रात फील होने लगी इसीलिए गायकवाड़ के यहाँ नौकरी लंबी नहीं चली इन्होंने छोड़ दी वो नौकरी चलिए आगे देखते हैं उन्नीस अच्छा उसके बाद ना उन्होंने लेटर भी लिखा था दीवान को लेकिन वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला यानी गायकवाड़ का भी इंटरेस्ट नहीं था कि ये वहाँ ज़्यादा दिन टिके प्रोफेसर बन गए पॉलिटिकल इकोनॉमी के क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी इकोनॉमी की पढ़ाई इन्होंने कर भी रखी है तो प्रोफेसर बन गए मुंबई में लेकिन प्रोफेसर जब बन के क्लास में गए ना तो स्टूडेंट्स क्योंकि उस टाइम में सवर्ण ज्यादा पढ़ते थे ब्राह्मण्स वगैरह तो उन लड़कों ने सीधे एंटी कहे प्रिंसिपल के पास पहुंच गए कि हम किसी नीची जाति के आदमी से नहीं पढ़ेंगे सब एंटी हो गए तो प्रिंसिपल ने कहा भाई दो चार दिन क्लासेस लगा के देख लो हाईली क्वालिफाइड हैं विदेश से पढ़ के आए हैं तो जिस तरह कह सुन के स्टूडेंट्स को मना लिया दो तीन दिन की क्लासेस के बाद सारे स्टूडेंट्स इनके फैन थे और सबको लगा कि ये सच में स्किलफुल आदमी है और बेशक किसी भी जाति के हों लेकिन ये गुरु बनने के लायक हैं ये होती है लायकियत कहीं भी आपका जन्म हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो आपकी इज्जत अपने आप होने लगती जाएगी ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स फेवर में आ गए लेकिन पढ़े लिखे सो कॉल्ड प्रोफेसर एंटी थे क्योंकि उनको इंप्रेस करना आसान नहीं था वो पुराने टाइम की बुद्धि उनके अंदर थी पूर्वाग्रह वाली बायसनेस वाली कि ये है तो ऐसी ही या नीची जात का ही चाहे प्रोफेसर बन गया और कहते हैं जब स्टाफ रूम में सब बैठे होते और ये पानी पी लेते थे ना उसी जग से जैसे उस टाइम जग और ग्लासेस से तो सब प्रोफेसर का रवैया बहुत नेगेटिव हुआ करता था सोचो जब पढ़े लिखे प्रोफेसर का रवैया ऐसा था तो एक अनपढ़ आदमी का रवैया कैसा होगा इनके प्रति कि जिस जग से ये पानी पी लेंगे प्रोफेसर्स उसको भी हे से देखेंगे स्टूडेंट्स को तो अपने फेवर में कर लिया पर प्रोफेसर्स का क्या करें नेक्स्ट देखो उन्नीस में कोलहापुर अच्छा वो तो खत्म हो गई थी ना सारी स्कॉलरशिप कोल्हापुर के एक हेड थे रियासत थी छोटी सी कोल्हापुर वहां के हेड थे शाहू उनका नाम था इन्होंने हेल्प की इनकी और क्यों क्योंकि ये ना इंटरेस्टेड थे कि कैसे जो ये उस टाइम में अछूत जिनको कहा जाता था दलित कैसे इनको ऊपर उभारे अच्छे आदमी थे ऊंचे कुल के थे रियासत के मालिक थे लेकिन इंटरेस्ट था सोशल एक्टिविटीज़ में एक तरह से समाज सेवी तो इन्होंने कहा मैं पैसा लगाऊंगा और तुम कुछ लिखो कुछ अच्छा काम करो तो उन्होंने अंबेडकर जी ने साप्ताहिक पत्र निकाला कि कम से कम पढ़े लिखे लोग तो जाने कि मेरी विचारधारा क्या है नाम देखना क्या दिया मूक नायक मूक कौन होता है जो बोलता ना हो भाई जो मूक वाचाल अपोजिट वर्ड्स है ना जो बोलता ना हो तो मूक नायक अपने उस पत्र का नाम रखा जो हफ्ते में एक दिन निकलता था और चंद लोग ही सही पढ़ के कम से कम अंबेडकर की विचारधारा से वाकिफ तो हो जाएं इसके लिए ये कोशिश थी पैसा लगाने की आ, का आ, जो कामकाज था वो किसने किया कोल्हापुर के और इनका भी बड़प्पन है इन्होंने कहा कि मैं अपने यहाँ एक भोज दूंगा भाई बड़ा आदमी है रियासत का हेड है अपने यहाँ भोज दूंगा और उसमें सारे तुम्हारी कम्युनिटी के लोग जो है इन्वाइटेड हैं और खुद बीच में बैठ के पूरा एक ऐसा सर्कल पूरा बनवाया और उसमें खुद बीच में बैठे अंबेडकर जी बैठे और सारे दलित लोग और फिर सब ने बैठ के साथ एक तरह से भोजन किया तो अपने आप में कहीं अच्छे लोग भी थे ऐसा नहीं है कि सारा ही समाज घटिया था कुछ लोग चंद लोग थे जो उस टाइम पे भी इनका साथ दे रहे थे मैंने दिखाया आपको कैसे वो दादा थे कैसे इनके फ्रेंड थे नवल कैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो अच्छा काम कर रहे थे नेक्स्ट देखिए पहला संगठित अच्छा अब इतना तो समझ जाओ कि अब ये पढ़े लिखे हैं खूब हाईली क्वालिफाइड हैं लेकिन इनके साथ लोगों का व्यवहार रवैया अभी भी गलत है तो कहीं ना कहीं इनको काम तो करना पड़ेगा ना 1920 में इन्होंने आ, कोशिश करनी स्टार्ट कर दी संगठित प्रयास की संगठित का मतलब होता है ऑर्गेनाइज तरीके से अब मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम करूंगा क्योंकि मेरी कम्युनिटी के साथ बहुत गलत व्यवहार है जब मेरे ही साथ ऐसा है तो औरों का क्या हाल होगा तो संगठित प्रयास दलितों के लिए एक इन्होंने सभा बनाई और सारे मेंबर्स को इसमें अपना इंक्लूड कर लिया जो भी उनके आ, इस एरिया को बिलोंग करते थे इनकी कम्युनिटी के थे नाम देखना बहिष्कृत हितकारिणी सभा यानी जिनका सोसाइटी ने बहिष्कार किया है उनके हितों का ध्यान रखने वाली सभा बना दी बी आर अंबेडकर ने अब ये डॉक्टर हैं क्योंकि डिग्री होल्डर हैं अब ये इस इस सोसाइटी ने क्या किया इस सभा ने इन्होंने कहा शिक्षा दो किसी भी इंसान को किसी भी समाज को किसी भी वर्ग को अगर आगे पहुंचाना है तो सिर्फ एक चीज है तब भी वही थी और आज भी वही है वो है शिक्षा आज भी किसी भी बच्चे का जन्म आप बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं कल भी देखेंगे परसों भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेहद गरीबी में जन्मे हैं जिनके घरों में संसाधन नहीं है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कोई कहीं भी पैदा हुआ इसमें उसका कोई योगदान वो कुछ भी नहीं कर सकता था लेकिन वो उस कंडीशन का बेस्ट यूज कैसे करे और वहां संसाधन नहीं होने पर भी जितने उपलब्ध हैं सीमित संसाधन उनमें अपना बेस्ट कैसे निकाले ये है इंसान की अपनी मेहनत और इसमें कोई दूसरा तुम्हारा साथ नहीं दे सकता अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की मेहनत हर एक को पर्सनल करनी पड़ती है और यह कब समझ में आती है जब इंसान शिक्षा लेता है कि शिक्षा वो है ना कहावत कि शिक्षा एक ऐसा धन है जिसको कोई चोर चुरा नहीं सकता कोई सामान लेके भाग जाएगा कोई घर में चोरी कर लेगा सोना चुरा लेगा लेकिन ज्ञान तो सिर्फ हर इंसान की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कभी कोई किसी की चुरा ही नहीं सकता कोई किसी का स्टाइल कॉपी कर लेगा कोई किसी का कंटेंट चुरा लेगा लेकिन उसका पर्सनल जो एक प्रॉपर्ट प्रॉपर्टी है जिसको लगातार अगर वो बढ़ाता रहेगा तो कोई चोरी कर ही नहीं सकता तो ये इन्होंने कहा शिक्षा दो अपनी कम्युनिटी को हम पढ़ाएंगे इनका सोशो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट करेंगे इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट कैसे होगा जब इंसान पैसा कमाएगा सोसाइटी कब बदलेगी जब वो पढ़ी लिखी होगी तो इन पर काम करने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये पहला ऑर्गेनाइज संगठित प्रयास है बी आर अंबेडकर जी का इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी अपनी आत्मकथा किताबें बहुत लिखी पढ़े लिखे इतने थे ढेर किताबें लिखी हैं पाकिस्तान के ऊपर भी लिखी है रिडल्स ऑफ हिंदूज्म कई किताबें हैं इनकी फेमस ऑटोबायोग्राफी है जिसमें अपने बारे में लिखा कैसे मेरा बचपन था जो जो कहानियाँ मैं सुना रही हूँ तुम्हें ये सब उस ऑटोबायोग्राफी की ही देन है तो वेटिंग फॉर अ वीज़ा ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है जैसे गांधी जी ने लिखी है ना माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो कि गुजराती में ओरिजिनल लिखी गई थी फिर ट्रांसलेट हुई थी इंग्लिश में ऐसे ही इनकी किताब का नाम है वेटिंग फॉर अ वीज़ा वीज़ा जो कि मुझे विदेश लेके जाएगा उसमें फिर पूरे अपने बचपन के किस्से बताए जो सारे मैंने बताए हैं या कोई भी टीचर पढ़ाता है वो उसी की देन है गायकवाड कैसे ये पहुंचे उनसे कैसे इनको स्कॉलरशिप मिली फिर वहां के लोगों का बर्ताव कितना खराब था सब कुछ बताया है इसके बाद 1946 में एक बुक लिखी हु वर द शूद्राज जैसे ये ना बहुत पढ़े लिखे थे इन्होंने सब कुछ पढ़ा और फिर फाइनली इन्होंने कहा कि जो ये इंडियन समाज ने हमारी कम्युनिटी को शूद्र नाम दे दिया ये एक्चुअल में शूद्र कौन है और इन्होंने कहा मैं जर्मन जो इतिहासकार है मैक्स मूलर जिनकी थ्योरी है कि मध्य एशिया से होते हुए आर्य इंडिया में आए थे मैं इसके ऊपर बिल्कुल इनके साथ जो है वो आ, इस बात को नहीं मानता और इन्होंने ये दलील दी इन्होंने ये कहा कि मैंने जितने चीजों को पढ़ा है मैं इस बात में हंड्रेड परसेंट श्योर हूं कि शूद्र कोई ऐसी जाति पाती नहीं थी बल्कि शूद्र एक तरह से क्षत्रिय थे बाद में जाके इनको शूद्रों को अलग से हटा दिया गया एक तरह से बाइकऑट कर दिया अदरवाइज शूद्र जो हैं वो क्षत्रियों से ही कहीं ना कहीं अलग हुए थे ठीक है ये इनकी किताब में लिखा है संविधान में इनका बहुत बड़ा योगदान है संविधान में क्या योगदान है यह संविधान जो आज इंडिया जिससे चल रहा है इसके निर्माता कहलाते हैं पूरा इंडिया कहता है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर बी आर अंबेडकर लेकिन केवी राव जी कहते हैं सिर्फ पिता नहीं जनक नहीं ये माँ का दर्जा भी इन्हीं को दिया जाता है एक आदमी की थ्योरी है कि ये मां भी हैं और पिता भी हैं तो संविधान के जनक और जननी ये किसने उपनाम दिया ने संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है अब लगे हाथ बता ही हमारे देश में संविधान सभा बनी मैंने कैबिनेट मिशन बताया था कैबिनेट मिशन आया था जिसमें तीन इंपॉर्टेंट आदमी थे उसने हमें कहा था कि इंडिया के लिए संविधान सभा का गठन कर लो उस टाइम में आबादी के अनुसार 389 आ, लोग चुने गए थे जिनमें अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे तो उस टाइम पर जब ये चुनाव चल रहे थे ना तो बड़े बड़े लीडर्स जो थे ये चुने जाने थे अंबेडकर जी ने चुनाव में चुने जाने के लिए बंबई से अपना नाम दिया और मैं आपको सच्चाई बताऊं ये क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म है मैं खुल के उतना नहीं बता पाऊंगी लेकिन आपको हिंट दे देती हूँ जब इन्होंने अपना नाम दिया ना कि भाई मुझे मुंबई की सीट से लड़ना है संविधान सभा का मेंबर बनना है तो ये मान लो कि सारे बड़े लीडर एंटी थे और उन्होंने पूरा दम लगा दिया कि कुछ भी हो जाए बी आर अम्बेडकर जीतने नहीं चाहिए हर एक आदमी ने कोशिश की अपना पूरा जुगाड़ लगा दिया कि किसी भी कंडीशन में अंबेडकर बंबई की सीट से ना जीत पाए मतलब एक तरफ अकेले ये और एक तरफ सारे बड़े लीडर्स थे कि ये हारने चाहिए और वही हुआ ये हार गए लेकिन ये हार मानने वालों में से नहीं थे इनके लिए तो बचपन से जूझ रहे थे ऐसी दिक्कतों से कोई बात नहीं हार गए कोई दिक्कत नहीं ये फेज़ में हुए थे ना चुनाव एक दिन में थोड़ी हुए अगला जो इलेक्शन के लिए अपना नाम दिया वो बंगाल की सीट से दिया बंगाल आज वाला नहीं बांग्लादेश आज वाला वहाँ पे मुस्लिम लीग का बाहुल्य था मैंने आपको बताया था सिंध में पंजाब में बंगाल में मुस्लिम लीग का वर्चस्व था यानी मुस्लिम लीग के एरिया में जब ये सीट पे खड़े हुए तो ये जीत गए कितनी अजीब बात है ना जब तो बम्बई की सीट से खड़े हुए तो इंडियंस बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स एंटी थे और ये सच में लिखा है किताबों में कि सबने पुरजोर कोशिश की कि कुछ हो जाए अम्बेडकर राजनीति में नहीं आने चाहिए इस स्टेज पर संविधान सभा के मेम्बर ना बने लेकिन जिसको बनना था वो बन के रहा तो बॉम्बे की सीट से लड़े पर हार गए या कह दो कोशिश से हरा दिए गए बंगाल की सीट से लड़े जीत गए और जीत में कारण क्या था मुस्लिम लीग का साथ मिला था उस इलाके में कांग्रेस बाहुल्य नहीं था मुस्लिम लीग का साथ था नेक्स्ट पे आते हैं बी एन राव नाम सुना होगा सभी लोगों ने बेनेगल नरसिंह राव बहुत बड़ा नाम है ये वो महान आदमी हैं जिसने संविधान सभा के लिए बहुत काम किया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का इनफैक्ट ड्राफ्टिंग में मेन योगदान इसी आदमी का था इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया लेकिन कभी भी अपनी सेवाओं के लिए इंडिया से पैसा नहीं लिया और ये सिर्फ इंडिया में नहीं आई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी पहुँचने वाले इंडियन हैं बी एन राव इन्होंने आसपास की कई कंट्रीज़ के संविधान में भी हेल्पिंग हैंड के रूप में काम किया तो बी एन राव ने कहा राजेंद्र प्रसाद को अच्छा क्या हुआ जब ये जीत गए थे ना बंगाल से बंगाल मतलब बांग्लादेश बांग्लादेश आज का देश, देश का देश ये 46 की घटनाएं बता रही हूं फोर्टी सेवन में देश में आजादी आई तो पाकिस्तान ने दो हिस्से ले लिए एक आज का पाकिस्तान और एक आज का बांग्लादेश जो उसने बना लिया था पूर्वी पाकिस्तान तो जिस सीट से अंबेडकर जीत के आए थे वो इंडिया से कट गई अब अंबेडकर जी की सीट तो कट गई लेकिन अंबेडकर जी तो इंडिया में ही रहेंगे तो अंबेडकर जी पहले बंबई से लड़े हारे फिर ये लड़े बंगाल की सीट से जीते लेकिन वो एरिया कट गया जिससे ये जीते थे तो फिर संविधान सभा में उथल पुथल मची कि अब क्या होगा क्या होगा क्योंकि अब तक सबकी समझ में आ गया था कि अम्बेडकर के बिना संविधान बन नहीं सकता अम्बेडकर जान है कम्युनिटीज की और अम्बेडकर देश के समाज के विकास के लिए काम करने वाले लोगों में से हैं तो इनको मेंबर तो बनाना पड़ेगा अब ये दबाव आया कि भाई मेंबर बनाओ कहीं ना कहीं से चाहे कुछ हो अंबेड कर के बिना संविधान लिखा नहीं जा सकता तो बी एन राव जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के मुखिया थे अध्यक्ष थे बी एन राव जो थे ना इन्होंने ये है नहीं मेंबर नहीं है ये लेकिन ये काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये हेड के ऊपर दबाव बनाते हैं वो हेड बीजी खेर को कहते हैं जो बंबई बंबई मैंने आपको बताया था आज का गुजरात का इलाका और आज के महाराष्ट्र का इलाका उस टाइम पूरा बंबई था तो उस टाइम बहुत बड़े इलाके को हम बंबई के नाम से जानते थे तो राजेंद्र प्रसाद बंबई के हेड के ऊपर दबाव डालते हैं और याद करो पहली बार इलेक्शन हारे भी बंबई की सीट से ही थे तो वो बीजी खेर है बाल गंगाधर खेर इनके ऊपर दबाव बनाते हैं जो उस टाइम बंबई के पीएम थे तब ना सीएम नहीं होते थे तब बंबई में जो हेड था उसको पीएम ही कहा जाता था तो बीजी खेर के ऊपर दबाव आया कि भाई कुछ भी करो बंबई की सीट पे किसी को हटाओ हमें नहीं पता लेकिन अंबेडकर का नाम आना चाहिए तो एमआर जैकर जी ने इस्तीफा दिया ये जैकर 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ था ना यरवाड़ा जेल में गांधी अंबेडकर मदन मोहन मालवीय तो उनके साथ थे जैकर चार लोग लिए जाते हैं इसमें गांधी अंबेडकर और आ, मदन मोहन मालवीय और एम आर जयकर ये वही जयकर हैं इन्होंने इस्तीफा दिया बंबई के पूरे प्रांत की एक सीट पर ये बैठे थे इन्होंने इस्तीफा दिया नाम है मुकुंद राव जयकर और इनके इस्तीफे के बाद अंबेडकर सदस्य बन गए दोबारा तो अंबेडकर जी की यात्रा देखो बंबई से खड़े हुए हारे फिर बंगाल की सीट से जीते लेकिन बंगाल कट के पाकिस्तान के पास चला गया वापस अब प्रेशराइज किया बी राव जी ने किसको किया राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद ने किसको कहा

अंबेडकर जी के विचार क्या हैं? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं छोटे छोटे से फैक्ट्स, जो कभी कभी एग्जाम में आते हैं या कम से कम हमें पता होने चाहिए तीनों आर में जाने वाले इंडियन हैं ये एक तेज बहादुर सप्रू हैं लेकिन अगर मैंने बताया था आपको कि दोनों का नाम हो तो पहली प्रायोरिटी में रखना बी आर अम्बेडकर जी आर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसको पूरा डिटेल में मैंने समझाया हुआ है आर लंदन में होती थी होनी एक थी लेकिन बात जब नहीं बन पाई तो तीन करनी पड़ी हर साल एक आर रखी गई उन्नीस में इकतीस में बत्तीस में और बी आर अम्बेडकर हर साल लंदन गए और क्योंकि लंदन से ही तो पढ़ के भी आए थे ना इनकी डिग्री लंदन से ही थी तो बहुत अच्छी तरह इनकी वहां एक तरह से मान लो कि इनकी भी पैट थी और दलित समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाला बड़ा चेहरा था इकलौता चेहरा mm -hmm. कम्युनल अवार्ड से सहमत थे ये कम्युनल अवार्ड आपको याद होगा एस को भी अलग से आरक्षण दे दो हिंदुओं से अलग तो गांधी जी ने एंटी यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया था ना फिर मदन मोहन मालवीय जी ने मीटिंग कराई थी यरवदा जेल में गांधी जी की और अंबेडकर जी की जिसमें कि यह बात हुई थी कि तुम्हें आरक्षण मिलेगा आजादी के बाद और इंडियंस अभी आरक्षण देंगे सामान्य सीटों में से ही तुम्हें केंद्रीय व्यवस्थापिका में सीटें मिल जाएंगी सेकेंड आरटीसी के दौरान लंदन में गांधी जी से असहमत हुए और प्रॉपर इनकी आपस में बहस हुई जब वो आर चल रही थी ना तो एक तरफ गांधी जी एक तरफ डकर सारे लोग बैठे हुए थे प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड भी हमारे बहुत सारे लोग तो वहां गांधी जी जब बातें कर रहे थे तो अम्बेडकर जी ने बीच में अपने हक की बात रखी थी और यह बहुत बड़ी बात मानी गई थी कि गांधी जो इंडिया के इकलौते रिप्रेजेंटेटिव मानते थे बहुत सारे लोग उनकी बात को काटना और दलील के साथ काटना तर्क दे के बात करना यह बी आर अम्बेडकर जी ने किया था सेकेंड आर में इसके बाद पूना पैक्ट हुआ पच्चीस को जिसमें कि डॉक्टर अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय जी के हस्ताक्षर हैं गांधी जी की सारी बातें हैं लेकिन हस्ताक्षर गांधी जी के नहीं है एग्जाम में हस्ताक्षर आए तो इन दोनों का नाम करना किस किस-किस के बीच हुआ तो गांधी जी और अंबेडकर जी का नाम लिखना ठीक है चलिए Uh, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक दो बातें और कर लेते हैं साइमन कमीशन याद होगा सारे गोरे अंग्रेज आए थे साथ और साइमन कमीशन आया था कि क्या 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हैं उनके बारे में रिपोर्ट बनाने सारे गोरे थे हमने इसका विरोध विरोध किया और इसी विरोध के चक्कर में लाहौर में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हुई थी जिसका बदला लिया था भगत सिंह ने सांडर्स हत्याकांड जिसके कारण फिर फांसी तक पहुंच गई थी बात तो साइमन कमीशन के सहयोग के लिए बनाई गई कमेटी में शामिल थे ये थोड़ा सा समझने का पॉइंट है बच्चों यहां यह बात नहीं है कि कौन गलत और कौन सही इस चीज को समझो कि साइमन कमीशन इंडिया में ब्रिटिशर्स भेज रहे हैं और वो एक रिपोर्ट बनाएगा इंडिया के के बारे में और उसका सहयोग करने के लिए कमेटी बनाई गई जिसके मेंबर कौन बनाए गए हैं बी आर अंबेडकर जबकि याद करो कि साइमन कमीशन का विरोध कर रही थी कांग्रेस बड़े स्तर पर जब वो मुंबई उतरे थे गेटवे ऑफ इंडिया जिसका निर्माण हो गया था जब जॉर्ज पंचम आया था और क्वीन मैरी उन्नीस में वहां जब उतरे ना ये तो पूरे इंडिया में एक लहर चली गो बैक साइमन गो बैक साइमन ये सारी क्लासेस मैंने आपको पहले पढ़ा रखी हैं उसका विरोध पूरा इंडिया लगभग कर रहा था लेकिन उसका सहयोग करने के लिए कमेटी बनाई गई जिसमें मेंबर कौन बने थे बी आर अंबेडकर जी ठीक है क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त करो या मरो ग्वालियर टैंक मुंबई अगस्त क्रांति मैदान गांधी जी का नारा ऑपरेशन जीरो आर सारे बड़े लीडर कोई जेल में गिरफ्तारी के बाद और कोई आगा खा पैलेस में गांधी जी सरोजनी नायडू एक दो और बड़े लीडर तो क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन से असहमत थे अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं इस आंदोलन में कांग्रेस के साथ नहीं हूं यानी दलित महासभा क्यू से साइड में थी फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं भारत में पहले पहले कानून और न्याय मंत्री बने ये तो बहुत बड़ी बात थी इतना बड़ा डिपार्टमेंट इनको दिया गया इनकी लायकियत को देखते हुए बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके आए थे ना तो लॉ एंड जस्टिस को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे लोकसभा के चुनावों में हार हुई आजादी के बाद की बात कर रही हूं पहले भी हारे थे जब बंबई में इलेक्शन हुए या कह लो हरवाने की कोशिश की गई और कोशिश कामयाब हुई लेकिन अब इलेक्शन हुए हैं आजादी के बाद लोकसभा के चुनावों में ये हारे फिर भी मेंबर बने एमपी बने राज्यसभा से तो राज्यसभा से एमपी बने थे लोकसभा के चुनाव में हार आर एस मतलब राज्यसभा से एमपी बने थे कुछ भी किया बहुत अच्छे काम किए इस देश के लिए आ, अपनी कम्युनिटी के लिए स्टार्टिंग में टारगेट बनाया लेकिन फिर जब देखा कि देश को ज़रूरत है तो पूरे इंडिया को टारगेट बनाया कि इंडिया का विकास करना है औरतों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया इक्वालिटी पे तो इतने ज़्यादा काम किया कि मरने मिटने को भी तैयार थे समानता देश में आनी चाहिए एक आधे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो जब ये नए नए लीडर के रूप में उभर रहे थे ना तो इनके इलाके में एक तालाब हुआ करता था जिसमें नगर ने उस टाइम घोषणा कर दी कि ये तालाब सार्वजनिक है और सब इसमें से पानी पी सकते हैं तो उस टाइम पर जो महार जाति के लोग थे इनको वहां पानी पीने की मनाही थी लिखित में आ गया अखबार में आ गया लेकिन लोग डरते थे तो ये उस कैंपेन को लीड करके गए और कहते हैं कि कई सौ लोगों को लेके जैसे वो जो पूरा तालाब था ना उसके चारों तरफ ये लोग फैल गए तालाब के चारों तरफ चारों तरफ जनता 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 खड़ी हो गई और सबसे पहले जैसे सीढ़ियां टाइप थी अंबेडकर जी उस तालाब के किनारे पे गए और उन्होंने पानी पिया और जैसे ही इन्होंने पानी पिया तो सारे लोग आके यहाँ पानी पीने लग गए ये पहली बड़ी कोशिश थी इक्वालिटी के लिए इनके पार्ट पर जो संगठित थी अम्बेडकर जी की खुशी में सब लोग झूम रहे हैं कि भाई हम भी इक्वल हो गए लेकिन जब ये लोग वापस गए तो अगले दिन एक बड़े ग्रुप ने जो सवर्णों का था बहुत ज़्यादा पिटाई की बहुत सारे लोगों की हाथ पैर तक तोड़ दिए गए फिर अम्बेडकर जी को लगा कि अब मुझे लड़ना पड़ेगा फिर इनका गुस्सा एकदम से उफान पर आया और फिर इन्होंने इंडिया में इक्वालिटी के लिए बहुत सारे काम किए एक और एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है एक मंदिर में सवर्णों का मंदिर था तो उसमें एंट्री नहीं थी तो वहां ये हजारों अपने लोगों को लेके पहुंचे और इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से वहां पर बिना ज्यादा लड़े झगड़े और उनकी एंट्री की कोशिश की लेकिन जब फाइनल स्टेज पर बात आई तो सवर्णों ने आगे बढ़ गेट बंद कर दिया था तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जिनके कारण इन लोगों के मन में आया अम्बेडकर जी के मन में कि मुझे इस देश के लिए कुछ करना है संविधान महिलाएं देश बच्चे हर किसी के लिए काम किया इनकी जो कम्युनिटी थी ना उसमें महिलाओं को साड़ी पहनने का एक अलग तरीका डिसाइड कर रखा था सवर्णों ने कि वो वो उस तरह की ही साड़ियाँ पहनेंगी तो इन्होंने अपनी यहाँ पे महिलाओं को कहा कि तुम्हारा जैसा मन करे वैसे तुम कपड़े हाँ पुन आ, इन्होंने कहा जैसा तुम्हारा मन करे वैसे तुम पहनो कपड़े और तुम बिल्कुल फ्री हो तो ये महिलाओं के मन में भी ये डाला कि तुम भी लायक बन सकती हो और तुम भी आगे बढ़ सकती हो अपने अधिकारों की मांग कर सकती हो ठीक है चलिए ये लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी अब इतना सुनने के बाद जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स के मन में विचारधाराएं बन गई होंगी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गांधी जी गलत थे कुछ लोग सोच रहे होंगे अंबेडकर जी का कुछ चीज़ें सहमत नहीं होने की है मैं एक दो एग्जांपल दे देती हूँ जैसे कुछ लोगों को लग रहा होगा कि गांधी जी ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया जैसा कि अम्बेडकर जी ने कहा भी था इस चीज़ में ना बच्चों इसको ऐसे समझो कि किसी भी एक आदमी की विचारधारा पे अपना स्टैंड न तुम्हें बनाना चाहिए न मुझे ये दो बड़े लीडर हैं दोनों देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं गांधी जी पूरे देश को एक मान के काम करना चाहते हैं लेकिन अंबेडकर जी का कहना है कि अगर आप इतना ही एक मानते हो तो 1909 में जब मिंटो सुधार हुए और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया तो आप क्यों नहीं बोले तब आप क्यों शांत बैठे रहे 1919 में जब सिखों को निर्वाचन में अलग से योगदान मिला उनको जगह मिली तब आप क्यों नहीं बोले आपको सिर्फ दिक्कत दलितों से है क्या कि जब दलितों को पृथक निर्वाचन मिल रहा है तो आप बोल रहे हैं महात्मा गांधी ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है मैं दलितों को अपना हिंदू ही मानता हूं और जो गांधी जी ने नाम दिया था ना हरिजन जो कि अब बैन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने 2020 से कि ये वर्ड अब यूज नहीं करना है इसके भी खिलाफ थे अंबेडकर अंबेडकर जी ने यह भी कहा था कि ये तो जानबूझ के हमें नीचे दिखाने के लिए कह रहे हो कि हम नॉर्मल नहीं है हमें ये नाम नहीं चाहिए जो कि किसने दिया था गांधी जी ने और गांधी जी ने कहा था कि मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है मैं तुम सबको अपने बराबर मानता हूं और मैं एक यात्रा भी करूंगा और गांधी जी ने एक कहते हैं बीस किलोमीटर लंबी बहुत मतलब किश्तों में यात्रा भी की थी जिसमें एस के लिए काफी उन्होंने कोशिश की थी जोड़ने की गांधी जी और अंबेडकर जी की विचारधारा अलग थी जैसे कि हमेशा दो लीडर्स की होती है चाहे वो सुभाष चंद्र बोस थे चाहे चाहे वो भगत सिंह थे, अंबेडकर थे। ये विचारधाराओं की लड़ाई थी, गलत कोई भी नहीं था। अंबेडकर ने अपनी जाति के लिए स्टार्टिंग में बहुत काम किया और ये शुक्र मनाना चाहिए कि ऐसे दलितों के मसीहा इस धरती पर जन्मे क्योंकि अगर ये नहीं होते ना तो ये कड़वी सच्चाई है कि शायद अभी तक दिमाग में लगी वो मैल की परत नहीं हट पाती अगर इन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए काम ना किया होता तो शायद आज भी सवर्ण इस बात को नहीं समझ पाते कि इंसान का जन्म एक इंसान के रूप में होता है ये जात पात तो बाद में आके हम लोग डिवाइड कर देते हैं अंबेडकर जी बहुत हद तक ठीक थे लेकिन कहीं कहीं इनका स्टैंड जो था ना वो उस टाइम पे इनकी समझ क्या थी उसके ऊपर इन्होंने स्टैंड लिया जैसे एक छोटी सी बात कर लेते हैं मैंने भी आ, डिस्कस भी किया साइमन कमीशन हर इंडियन साइमन कमीशन को लेके नेगेटिव सोच रखता है हम सब जानते हैं भाई साइमन कमीशन ठीक नहीं था क्योंकि साइमन कमीशन 100 परसेंट इंडियंस के लिए जो रिपोर्ट बनाने वाला था वो नेगेटिव बनाने वाला था 1919 -19 के सुधारों के ऊपर आने वाली थी तभी तो फिर चैलेंज दिया था कि अगर इतने ही लायक हो गो बैक साइमन के नारे लगाते हो तो अपने देश का संविधान लिख के दिखाओ जिससे सब सहमत हो क्योंकि वो जानते थे कि इंडिया ऐसा संविधान बना ही नहीं सकता जिससे सब सहमत हो उस साइमन कमीशन का हर आदमी विरोध कर रहा था लेकिन उसके पक्ष में बनाई जाने वाली कमेटी के मेंबर कौन थे अंबेडकर कितने अजीब बात है ना ये अंबेडकर इसके तो साथ थे लेकिन जिस संविधान को चैलेंज किया था इस कमीशन के बाद अंग्रेजों ने उसी संविधान का निर्माण करने में सबसे बड़ा योगदान किसने दिया अंबेडकर ने यानी टाइम के साथ चीजों में निर्णय लेने की क्षमता इन सभी लीडर्स में शायद बहुत कूट कूट के भरी हुई थी और कहीं जब जरूरत पड़ी तो ये जहां देखा कि चीजें ठीक नहीं है तो वहां उस हिसाब से ढलना भी इन लोगों को आता था इसमें गलत और सही की बात नहीं है ये आपकी अपनी समझ है जैसा आपको ठीक लगे मैंने आपको दोनों पक्ष बता दिए अंबेडकर जी एक तरफ साइमन कमीशन के पक्षधर थे क्विट इंडिया मूवमेंट में इंडियंस के साथ नहीं थे दलितों को उन्होंने कहा कि हमें साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कांग्रेस की एक गलत तरीके की लड़ाई है जिससे वो सहमत नहीं थे लेकिन फिर वहीं भारत की आज़ादी के बाद जिस ढर्रे पर हमें चलना था उसमें एक जनक के रूप में काम करने वाले भी अम्बेडकर जी ही थे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टैंड है और ये विरोधाभास की बातें हैं इससे ये पता चलता है कि ये सब लोग सोच समझ के चीजों को अलग अलग तरीके से देखते थे और अपनी ही चीजों में टाइम आने पर परिवर्तन भी देश के फायदे के लिए तुरंत कर देते थे चाहे वो गांधी रहे हों जिन्होंने पहले कहा था कि मैं कभी भी हिंसा के पक्ष में नहीं हूं लेकिन बयालीस में उन्होंने कहा करो या मरो ये सेम बात भगत सिंह पहले भी तो कह रहे थे ये सेम बात पहले सुभाष चंद्र बोस भी तो कह रहे थे लेकिन टाइम आने पर उन्होंने ये स्लोगन यूज किया ऐसे ही जी कभी कांग्रेस के पक्ष में थे कभी कांग्रेस के विपक्ष में थे कभी अंग्रेजों के पक्ष में थे कभी अंग्रेजों का डटकर मुकाबला भी अंबेडकर जी ने किया तो आज की क्लास जो थी ये सिर्फ एक आ, ये मान लीजिए कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नहीं तैयार किया था सब कुछ ये एक समझ आप लोगों की डेवलप हो कि ये देश कैसे बना किन लोगों ने योगदान दिया और अंबेडकर जी को याद करने का जो मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण होना चाहिए वो ये कि कैसे खराब परिस्थितियों में भी उभर कर कोई आदमी इतना ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है कि वो देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम अंकित कर जाए वो क्षमता किसी किसी में होती है और उस क्षमता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने भीमराव राम जी हैं इतने हाईली क्वालिफाइड इतने ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच रखने वाले जिन्होंने महिलाओं की बराबरी की भी बात की जिन्होंने दलितों की बराबरी की भी बात की और जिन्होंने भारत निर्माण में संविधान के निर्माण में एक बहुत बड़े सोर्स के रूप में काम किया तो आज चौदह अप्रैल को हम इन सबको नमन करते हैं जिन लोगों ने भी योगदान दिया भारत को भारत बनाने में भारत को आज़ाद कराने में या भारत के संविधान को लिखने में उनमें बड़े लीडर्स के रूप में हमेशा जाना जाएगा बी आर अम्बेडकर जी को आज की क्लास में इतना ही थैंक यू बहुत 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 शुक्रिया और आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं क्योंकि एक ही वीडियो को एक दिन में ही हज़ारों की संख्या में देख लेते हैं मेरी कल वाली वीडियो मेरे ख्याल फोर्टी थाउजेंड प्लस ने देख ली है अच्छा ठीक है सर बता रहे हैं तिरपन सौ स्टूडेंट्स लाइव थे बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों और ये चीज़ें हमारे लिए एज मोटिवेशन काम करती हैं पाँच हज़ार प्लस लोग अगर देख रहे हैं तो उम्मीद करती हूँ ये विचारधारा आगे तक जाएगी और मैं ये नहीं कहती कि मेरे विचारों से तुम अपनी सोच को डेवलप करो नहीं तुम अपनी एक विचारधारा बनाओ और हम वैसा देखो इन्होंने भी क्या कहा एजुकेशन मैं जितने दिन से आपको हिस्ट्री पढ़ा रही हूं अगर आप नोटिस कर पा रहे हो चाहे गांधी थे चाहे भगत सिंह थे चाहे आ, सुभाष चंद्र बोस थे और चाहे बी आर अम्बेडकर हर किसी ने कहा है शिक्षा समाज में परिवर्तन लाएगी चाहे कम्युनिटी का विकास करना हो चाहे किसी खास जेंडर का विकास करना हो चाहे इस देश का विकास करना हो मैं भी ये बात सेम कह रही हूँ हर आदमी को यह बात समझनी है कि इस देश को अगर कोई बदल सकता है तो वो शिक्षा है और शिक्षा वो रटंतु वाली नहीं शिक्षा वो जो आपके दिमाग का ढक्कन हटा दे और आपको अलग अलग दिशाओं में सोचने के लायक बना दे आप स्किल्स डेवलप करें अपने अंदर और एक सुंदर अच्छे भारत का निर्माण करने में आप और मैं और जितने इंडियंस हैं हम सब सहयोग दें तब हो सकता है भारत विश्वगुरु बन जाए तो आज के लिए इतना ही फोर्टीन अप्रैल को जय भीम के नारे के साथ उद्घोष के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं थैंक यू इतनी देर सुनने के लिए गुड नाइट Right.